हेलो, मैं सुसैन। आज के इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कर्ड ऑपरेशन में से हम लोगों ने क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट देख लिया था। अभी हमारा उसमें से क्या बचा हुआ है, रीड। तो आज मैंने क्या करने वाला हूँ, जस्ट रीड ऑपरेशन आपको बताने वाला हूँ। देखे जरा, मैं एक जे टेबल लूंगा, वहां बीबी डॉट नेट के अंदर में आप लोगों को क्या मिला था, डेटा ग्रिड रूल। यहाँ पे जे टेबल आपको मिलेगा, उस जे टेबल के मदद से आप क्या करेंगे, उस जे टेबल में डेटा रीड करके दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जे टेबल लेंगे, इसको थोड़ा क्या कर ले रहे हैं, साइड मतलब इस साइड ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल साइड नहीं कर देना इसको, है ना। इधर रख लिया, थोड़ा इसको ऊपर किया, क्या थोड़ा ऊपर ऐसा, और जरा सा इसको ऐसा, है ना। और चलेंगे प्रॉपर्टी विंडो में, कहाँ, अच्छा, पहले तो पलेट में चलेंगे, जहाँ से मुझे लेना है कुछ भी। तो टेबल को उठाएंगे, टेबल को उठाया तो देखो ये जे टेबल इधर आ गया है, बड़े तरीके से आया है। अब इसको थोड़ा नीचे करेंगे हम लोग, ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे, नहीं कोई परेशानी नहीं। और जरा देखे इसके टाइटल वगैरह को चेंज कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, टेबल कंटेंट में जाएंगे, हम लोगों को कितना चीज चाहिए, नेम एंड रोल। तो इसको रीनेम कर ले रहे हैं, इसको डाल दे रहे हैं क्या, नेम, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे में हमें क्या डालना है, तो हम यहीं पर करके उसको F2 करके कर ले, फिर यहाँ से भी चेंज कर ले, बात बराबर है। दूसरा क्या करेंगे, रोल, बाकी को क्या कर देंगे, डिलीट डिलीट। अब जरा देखें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रोज आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 3-4 रोज है, तो रोज को हम खत्म करेंगे, चारों को कोई सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर लेंगे, डिलीट। और जब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये जरा देखें, जरा खूबसूरत ढंग से ये आ गया है क्या, ये रहा बिल्कुल। अब इसको जरा मैं रन करा के दिखाता हूँ, ये रन कर रहा है, ये देखिए ये टेबल बन गया है, इसमें डेटा रखा है नहीं, आज अभी डेटा भी रखेंगे इसमें थोड़ा, ठीक है, कुछ डेटा ऑलरेडी पहले इसमें है, शो नहीं हो रहा है किसी वजह से, देख लो एक बार, कंपोनेंट इधर उधर हो रहा था, अभी भी ये थोड़ा इधर भाग रहा है, कहीं किस वजह से भाग रहा है, देखना पड़ेगा इसका लेआउट जरा चेंज करके देख लेता हूँ। तो लेआउट चेंज करते हैं और ये अपलोड कर दिया हमने इसे, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा अपलोड ये पैक हो चुका है, तो इसको थोड़ा ठीक है, अब चले। तो अब हमें क्या करना है, और बड़ा कर लेते थे, नीचे नीचे अच्छा भी नहीं लग रहा, बीच में रहे, रीडिजाइन फिर से कर देते हैं, देखते क्या हो रहा है। चलिए आइए, अब हमारे क्या काम है, कोड में चलेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे फील नाम का, ठीक है, जो कि इधर जैसे क्लियर मैंने बनाया है उसी तरह से एक मेथड और बना लेंगे, पब्लिक, और वह जिसके अंदर बोलेंगे फील डेटा, ओके। तो फील ऑपरेशन हमें बनाया है, इसके अंदर हमें कोड करना है बिल्कुल से वही सारा जो कि मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, इन सारों को कॉपी कर ले रहा हूँ और उधर पेस्ट करूँगा, और उसी के हिसाब से ताकि कनेक्शन वगैरह सब कुछ मेरा यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल। और मुझे अब इंसर्ट नहीं करिए, क्रिएट स्टेटमेंट के ही मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट सेट का अब क्रिएट करेंगे। तो
रिजल्ट सेट करेंगे हम लोग, तो रिजल्ट सेट ऑन करते हैं, रिजल्ट, अच्छा अच्छा रिजल्ट सेट जो है इसका हमें बोल देते हैं RS इक्वल टू रिजल्ट सेट, RS इक्वल टू क्या करने वाले हैं, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू ST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी है ना, एग्जीक्यूट चला गया डॉट एग्जी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सबसे ऊपर ही था ये यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेरी लिखना है सेलेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम कहाँ से स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ था ना, ठीक है ऐसे कुछ था। यहाँ पर मुझे क्लियर भी नहीं करना है तो मैं यहाँ से क्लियर को हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हमें एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया, तो अब हमें एक टेबल का जो है उसके मुझे डेटा मॉडल को गेट करना होगा, टेबल का यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसके वजह से हम लोग करेंगे। तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल TM इक्वल टू डिफॉल्ट टेबल मॉडल TM इक्वल टू, टेबल का नाम हमने कुछ चेंज नहीं किया था तो जो है वही डाल देते हैं। पहले इसको थोड़ा टाइप कास्टिंग में करना है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है। और उसके बाद हमें टेबल का नाम देना है जे टेबल वन डॉट गेट मॉडल डॉट गेट मॉडल गेट मॉडल, ठीक है गेट मॉडल। इसमें इसका एक हमें ये हेडर फाइल की ज़रूरत थी तो हमने हेडर फाइल जो इंपोर्ट कराना है मैंने कर दिया है, टेबल मॉडल का इंपोर्ट किया, कहाँ चला गया यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि अब रिजल्ट से डेटा निकाल के मैंने टेबल का क्या कर लिया है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट के मदद से हमें डेटा सेट करना है कहाँ, टेबल में, और हमें डेटा रीड करना है व्हाइल लूप के जरिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उसका मेथड था, याद होगा शायद आप लोगों का, रिजल्ट सेट का मेथड लिखवाया था 3-4 हम लोगों ने, प्रीवियस नेक्स्ट याद है, तो हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करते चलना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर बोलेंगे डेटा को रखेंगे इस कदर से कि हमें निकालना है डेटा RS डॉट, हमें पहला डेटा क्या है स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे गेट स्ट्रिंग, टेबल से निकाल रहे हैं गेट स्ट्रिंग किया, और हमें कॉलम का नाम देना है, ठीक है कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम हम इसमें क्या दे रहे हैं, पहले हमने क्या रखा है हमारे नाम, टेबल में देखो जरा, टेबल में हमने क्या दिया है नेम, उसके बाद क्या है रोल है, तो पहला को हमने नेम दे दिया, फिर दूसरा को हम लोग देना है क्या, दूसरे को क्या देंगे RS डॉट गेट इंट, क्योंकि वो क्या है रोल है, तो गेट इंट किया और रोल हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली रोल कर दिया, ये हमने इसके अंदर डेटा को रख दिया। अब हमारा क्या काम है कि इस डेटा को फिल करा देना किसके अंदर, टेबल के अंदर, और TM डेट ऑड एड रो ये किया, और इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास करा देना है, ये करा दिया। अब इस फिल मेथड को, फिल डेटा मेथड को कॉल करेंगे कहाँ, कंस्ट्रक्टर में, तो फिल
डेटा को कॉल करा दिया। अब हमारा क्या काम रह गया है, रन कराना इसको, देखते हैं डेटा उसमें उठ के आता है या नहीं। रिकॉर्ड्स सेव्ड बोल रहा है, कोई बात नहीं, ये नीचे में आ गया सारा रिकॉर्ड, बट देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है इसके अंदर, ठीक है, डेटा आ चुका है इसके अंदर। आप लोग देख पा रहे हैं ये डेटा रीड हो गया, ये थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं तो हम इसको ठीक करते हैं। एक हम लोग कुछ लेके एक पूरे को सटाई दे रहे इसी में छोड़, सट गया और इसको पूरा इधर खींच लिया, ठीक चल ये हो गया है। तो ये हमारा डेटा रीड हो रहा है, रिकॉर्ड सेव्ड बोल रहा है, बार बार देखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड सेव्ड क्यों बोल रहा है, हो सकता है कि सेव्ड बटन क्लिक हो जा रहा है किसी वजह से, चेक करते हैं किस वजह से ये सेव्ड बार बार काम कर रहा है कोड। अच्छा सेव्ड इस वजह से काम कर रहा है, ये हमने इसको फिल कर दिया था, ठीक है। अब हम डेटा को डिलीट करें तो क्या हो, रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, तो हम लोग रोल नंबर से तो 4 रोल नंबर लेके हमने डिलीट किया तो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, बट ये रोल नंबर 4 वाला डेटा यहाँ से गया नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा ये देखते हैं। हमें करना है एक काम कि हमें रिफ्रेश का इसका काम करना है, तो रिफ्रेश का काम करना है तो हम जब भी इसको कॉल करें इसको तो क्या हो जाए, इस फंक्शन को कॉल करें तो सबसे पहले ये डेटा का जो ऑब्जेक्ट है ये टेबल का उसका क्या हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए फिर वो डेटा क्या हो भरा है। तो हम क्या करते हैं tm डॉट इसका है सेट रो काउंट, सेट रो काउंट हमें कर देना है 0, यानी कि क्या कर दो पहले 0 कर दो और फिर वापस से क्या कर दो फील कर दो, पहले क्या कर दो 0 कर दो और वापस से फील कर दो, ऐसा कुछ करके देखा है हमने। तो अब इस फंक्शन को जहां जहां हम कॉल करवा देंगे, यानी जब डिलीट करेंगे तो फिर यह फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, सेव करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। चलो ये सेव का है, हाँ तो अभी मुझे रिफ्रेश करना था तो मैं सेव बटन जहाँ पे मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ उसके जस्ट नीचे मैं क्या कर दूँ फील्ड डेटा को कॉल कर देता हूँ, फिर ये सेव में हो गया। उसी के हिसाब से मुझे फिर अपडेट में भी करना है, फिर डेटा को कॉल करना है, फिर मुझे क्लियर करने के बाद यहाँ भी कॉल करना है अपडेट में, उसी तरह से हमें डिलीट में भी करना होगा। मैंने सारे जगह कर दिया है, ठीक चेक कर ले रहे हैं ये अपना आ गया है, जरा देखते हैं। मैं रोल नंबर 3 को लेता हूँ और मैं डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे रोल नंबर 3 इधर से हट चुका है, देख पा रहे हैं। मैं रोल नंबर 11 को डिलीट करता हूँ, देखेंगे आप ये रिकॉर्ड, अच्छा डिलीट हो चुका है, देख रहे हैं डिलीट हो रहा है, हैं मनीष 420 को मैं डिलीट करता हूँ, देखिए ये डिलीट हो रहा है, अरे अब मैं एक इंसर्ट करता हूँ ABC रोल नंबर 1 और मैं ऐड करता हूँ, देखिए ABC रोल नंबर 1 ऐड हो गया। अभी मैं क्या ना टाटा के नाम को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ दे देता हूँ बाटा और इसको मैं क्या कर देता हूँ अपडेट। अब जरा देखिए यहाँ पे बाटा हो चुका है तो आपका ये जेड टेबल भी रिफ्रेश हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो आप सीख चुके हैं कि डेटा को रीड कैसे करना है, उस डेटा को जेड टेबल में कैसे हमें बाइंडअप करना है, वापस से लगाना है और हम उसको रिफ्रेश भी कैसे करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे पहले उसके जे लेवल के रिकॉर्ड को 0 कर देंगे और वापस से भी फिल करा देंगे, ठीक है, कोई परेशानी। डेटा मॉडल वहाँ पे डेटा ये जरा कोड को जरा देख ले, बड़ी परेशानी नहीं है। जे लेवल जे का टेबल लेंगे और यहाँ पे बस इस तरह से आप अपना एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे,
इसका एक आपका देखें यहाँ पे एक जो है ये बना इस पैकेट का पैकेज का उठाएंगे यहाँ से डेटा टेबल को उठाया मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस इसका एक मेथड कॉल कराया जे टेबल का और इसको टाइप कास्ट करते हुए हमने टीएम में डाल दिया और टीएम को जस्ट मैंने कॉल करा दिया ये देखें और ऑब्जेक्ट ओ क्योंकि वो टेबल है रो कॉलम में वो रखा जाता है इसीलिए यहाँ पे एक टाइप का एरे बन रहा है और एरे में लिस्ट पहला रिकॉर्ड जा रहा है या दूसरा लिस्ट जा रहा है ये ऑटोमेटिक डालता है। ये आपको टेबल का नाम दिया गया है जैसे कि यहाँ पे आपका टेबल है और देखिए यहाँ पे भी वो इफेक्टिव हो रहा है दिख रहा है नहीं ऑरेकल पे भी सेम काम हो गया और यहाँ पे भी वही काम। तो अब आप लोगों ने करंट ऑपरेशन को सीख लिया है थिंक और मैंने जिस सब तक हुआ है मैंने कोशिश किया बताने का। अब लास्ट टारगेट है इमेज को कैसे इंसर्ट करना है हमारा ऑरेकल के अंदर में वो देखेंगे। तो हमारा आने वाला अपकमिंग क्लास जो कुछ भी होगा उसके अंदर हम इमेज को क्या करेंगे उसमें इंसर्ट करना सीखेंगे। ऑलराइट ओके थैंक यू।